अब वो जिनके पापा उन्हें और पापाओं की तरह टीवी लेकर नहीं दे पाए, भले ही पापा बेटी को टीवी नहीं दे पाए, पर ऐसा बनाया कि आज बेटी टीवी के बेस्ट शो की सबसे कड़क सिंगर है। तभी जो बेटी अपने पापा के कदमों में रख देना चाहती है दुनिया का हर जॉय, देबोश्मिता रॉय। तुम सा कोई दूसरा जमी पे हो तो रब से शिकायत होगी, तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हो तो कयामत से पहले कयामत होगी। बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सुन के अच्छा लगा कि जो हिमेश जी बाजू में मेरे, उन्होंने कंपोज किया था, और जो गाने में फीलिंग है, इमोशन है, जो मेलोडी है, ये सुन के वापस अरे इतनी खुशी हो रही है कि डेबो रियली रियली तुमने बहुत अच्छा गाया। तुम्हारी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में हमने काफ़ी सुना है, और तुम्हारे डैडी तुम्हारी फैमिली के लिए तुम्हारे के जो कुछ किया है, तो आज तुम उनको प्राउड फील कर रहे होंगे, वो ये सुन के ये देख के वो प्राउड फील कर रहे होंगे। रियली हाँ, कीप इट अप और ऐसे ही करते रहे। और हम लोग भी एक बात और बताऊँ कि हम लोग भी ऐसा मानते हैं कि मदर फादर की दुआएँ हमारे साथ में हैं, ऐसा हम लोग बिलीव करते हैं। बेशक सर। और जब हमारे खिलाड़ी पिक्चर, बाजीगर पिक्चर जब रिलीज हुई, तब हमारे घर में टेलीफोन नहीं था, तो हम भी ऐसे घर में रहते थे कि जहाँ बस एक कॉल हुआ करता था, बस एक एक ही रूम में सब लोग पूरी फैमिली रहती थी, और फ़ोन भी पड़ोस में होता था, हमारे पास फ़ोन भी नहीं था। तो जो अपनी मेहनत करके जो आगे आए वो हमेशा याद रखना चाहिए,
और इसी तरह तुम भी आगे बढ़ो और सब करो, बहुत खुशी की बात है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। जजेस, देवोश्मिता की परफॉर्मेंस पर स्कोर्स दे दीजिए प्लीज। जी। Competitive performance, the competitive performance, competitive performance, the competitive performance, competitive performance, the competitive performance. Tak jata hu main papa. Isliye apne astitva ki ladai ke liye ek 100% non competitive performance lekar aa rahe hain zindagi ko dobara dastak dene wale Vineet Singh. Aur singing ka chamatkar, listeners ka sheer joy, Deboshmita Roy. लम्हा थम गया आसमां पिघल के शीशे में झल के जम गया तो तेरा चेहरा बन गया दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ निकली है दिल से ये दुआ
बहुत अच्छा गाया आप दोनों ने. गाना शुरू हुआ और मैंने रणवीर को गाया और बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है. ये गाना मतलब वन ऑफ माय फेवरेट रोमांटिक सॉन्ग्स है जो जितना मैंने किया हुआ है. और ये सबसे हमारे डिफ़िकल्ट शूट रही. ये गाना पहली बार कोई हिंदी फिल्म आइसलैंड में शूट हुई है एंड एक एक लोकेशन इतनी डिफ़िकल्ट थी. इट वॉज़ नॉट एन ईजी शूट. ऑब्वियसली वी आर हैप्पी कि एंड रिजल्ट बहुत अच्छा आया एंड आज भी ये गाना इतना पॉपुलर है. ये पूरी शाम एक है ना कि आप पूरे आपने जो काम किया है नॉस्टैल्जिक कर देती है आपको कि आपने कितना काम किया है, आपने क्या क्या काम किया है. एक रिविजिट आप मुझे मेरे करियर को ही करवा रहे हो आपकी इस ट्रिब्यूट के जरिए. सो थैंक यू सो मच इंडियन आइडल एंड थैंक यू सो मच टू ऑल द कंटेस्टेंट्स. थैंक यू. थैंक यू विनीत. थैंक यू देबोश्मिता. देबोश्मिता जी, देखिए मैं 85 में बॉर्न हुआ था तो 90s का मैं कीड़ा हूँ. आप ना, यू आर देबोश्मिता अकॉर्डिंग टू मी आदि. जी सर. इज वेयर अनुराधा पोडवाल मीट्स अलका याग्निक. क्या बात है. You are an absolute star. I really enjoyed that. Seedhe dil ko lagi. Thank you so much. Absolutely. इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो सिर्फ फिल्म के जरिए ही दुनिया का दिल बहलाने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि आउट ऑफ द वे जाकर अच्छाई और खुशियां फैलाने आते हैं, उनकी मदद करते हैं. ऐसे ही है एक मेरे परिचित रणवीर. क्या आप इनको जानते हैं? देखिए. रोहित भाई को हम हमारी पुलिस फैमिली का एक सदस्य मानते हैं. रोहित भाई तो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं. जो उन्होंने मूवीज बनाई, सिंघम हो, सिम्बा हो, सिंघम रिटर्न्स हो, सूर्यवंशी जैसी मूवीज है, वो तो पुलिस ऑफिसर्स का इमेज इस टाइप से उन्होंने बनाया कि हमें सुपर हीरो दिखाया. कोविड का बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत ही स्ट्रगलिंग टाइम हमारे लिए था. इस दरमियान बहुत सारे कर्मचारी इन्फेक्ट हो गए. हाई एंड हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट एक बड़ा चैलेंज था और हम लोगों ने जो कोविड इन्फेक्टेड थे उनको एडमिट कर दिया. लेकिन उसका ऑलमोस्ट 93 लाख के आसपास बिल जब आया और मैं चिंतित था कि ये बिल कैसे पे करेंगे. ये डिस्कशन मैं रोहित भाई से एक बार कर रहा था तो वो बोले कि सर चिंता मत कीजिए, हम एक स्ट्रोक में बिल पे करेंगे. और उन्होंने 93 लाख का चेक खुद अपने हाथों से लिख के दिया और उस भी हॉस्पिटल का जो बिल था वो खुद पे कर दिया. कोरोना का जो काल था वो बाकी लोगों की तरह, बाकी इंडस्ट्रियों की तरह हमारी इंडस्ट्री के लिए भी बहुत ही डेंजरस टाइम था, बहुत ही खतरनाक टाइम था. तो हम लोनर्स हो गए थे. हमारी इंडस्ट्री के जितने भी टेक्नीशियंस हैं, वर्कर्स हैं, लाइट बॉयज़ हैं, स्पॉट बॉयज़ हैं, फाइटर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, रोहित शेट्टी को हम अपने इंडस्ट्री का सेंटा क्लॉज बोलते हैं. बिकॉज हंसता हुआ चेहरा अगर आपके सामने आ जाए तकलीफ के टाइम पे, दुख के टाइम पे, तो वो सेंटा क्लॉज ही हो सकता है और कोई नाम से उसको कहा भी नहीं जा सकता. रोहित शेट्टी साहब का फोन आया और कहा कि मैंने एक शो किया है, बहुत बड़ा शो, तो मैं पूरा जो वहाँ से मुझे जो रेम्यूनरेशन मिला हुआ है वो मैं पूरा डाइवर्ट करता हूँ अपने फेडरेशन में. तो मेरे ख्याल से कुछ 1 करोड़ रुपए करीब था. जैसे कि बोलते हैं कि भगवान का रूप बन के मेरे फोटोग्राफरों के लिए, हमारे लिए एक कॉल आता है कि आप पापराजी फोटोग्राफर्स के लिए रोहित सर कुछ हेल्प करना चाहते हैं. सो मैं बता नहीं सकता हूँ कि वो एक कितना बड़ा रिलीफ था हमारे दिलो दिमाग से कि हाँ कि चलो रोहित सर ने हेल्प की है और हमारे लड़कों के घर के खर्चे निकल जाएंगे. मुझे भी आज एक चीज़ अच्छी लगती है कि मैं जब कोविड में लोगों की बातें सुनता था, कोई मुझे बोलता था सर मुझे नौकरी से निकाल दिया, किसी ने बोला कि मुझे सिर्फ जितने दिन मैं काम पे गया उतना ही पैसा दिया. मैं लोगों की जब बातें सुनता था तो मैंने सोचा कि ये इंडस्ट्री कितनी अच्छी है और इसमें रोहित सर जैसे लोग हैं कि जिनको हमने कुछ, जिनसे कुछ मांगा भी नहीं, उन्होंने अपने आप ही पैसे डिपॉजिट करवा दिए. ये ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच जो है वो कमेंडेबल है. ऐसे हालात में जो रोहित भाई हमारे पीछे डट के खड़े हो गए, मूवीज़ में भी हमें हीरो दिखाते हैं लेकिन सिर्फ हीरो दिखा के कुछ नहीं होता है. ग्राउंड लेवल पे जो
रियल हीरोगिरी है वो रोहित भाई ने की है. थैंक यू सो मच. Genuinely, sir, it's not just कि आप सुपर हिट फिल्में बनाते हैं और उससे हजारों सौ करोड़ों का बिजनेस जनरेट होता है, बट दिस जेन्युइनली गोस टू शो कि आप दिल से कितने सच्चे और कितने अच्छे इंसान हैं. एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर द रियल लाइफ हीरो रोहित शेट्टी. जब कोविड चल रहा था सारे लोग घर पे थे, पूरी पूरी टीम्स घर पे थी, हम सारे घर पे थे. सर्कस जब हमने शूट करी थी, सर को भी था कि जितने भी टीम के मेंबर्स हैं, जितने भी हम सारे एक्टर्स टेक्नीशियंस, जितनी भी सारी टीम थी सारे घर पे थी, सर्कस उस टाइम पे बनी है ताकि सब काम कर सकें. उस टाइम पे रोहित सर वाज़ द फर्स्ट पर्सन हु इनिशिएटेड कि जितने भी लोग हैं वो काम कर सकें. और रोहित सर के सेट में इतनी प्योरिटी होती है, वो रोहित शेट्टी एंड टीम जो है वो एंड टीम नहीं, वो एंड फैमिली है. वो फैमिली है एंड वी ऑल रोहित सर विद ऑल आवर हार्ट्स वी फील सो ब्लेस्ड दैट वी आर पार्ट ऑफ द फैमिली. वी लव यू सर एंड थैंक यू फॉर जस्ट एवरीथिंग दैट यू डू. लव यू सर. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.